अस्सलाम वालेकुम, किचन विद साइमा दाऊद में वेलकम है। तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर हरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन देगी कोरमा की। तो बहुत ही ये मज़े की बनेगी। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये 1 kg मैंने लिया है चिकन। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया है। ये है मेरे पास दही। प्याज लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें, कोरमा मसाला जाएगा। तो जो बाकी के मसाले हैं वो बाद में मैं आपको बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी अपनी। चूल्हा जला लेते हैं पहले। कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे पहले 1 चम्मच। सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। चलें जी, प्याज हमारी हो चुकी है ब्राउन। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। एक प्लेट में मैंने रख लिया है टिश्यू, इसके ऊपर ही निकाल दूंगी प्याज को। चलें जी, प्याज निकाल दी है मैंने। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून है। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं जरा। दो मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। चलें जी, अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। चिकन को हमने अदरक लहसुन के साथ ही भूनना है ताकि इसके अंदर जो एक महक होती है, स्मेल सी चिकन के अंदर, वो ख़त्म हो जाए। तो जो बाकी मसाले हैं वो हम बाद में डालेंगे। पहले इसको हम भुनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अदरक लहसुन में। तो ऊपर से मैं कवर कर देती हूँ। चलिए जी, चिकन हमारा जो है वो भुन चुका है अदरक लहसुन में। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं इसका वो जो है कलर चिकन का चेंज हो गया। तो अब इसमें मसाले डालते हैं। कोरमा मसाला मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून। एक टीस्पून जाएंगे इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। तो पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने पानी नहीं था डाला चिकन में, क्योंकि इसका अपना ही पानी है चिकन का। अभी इसमें मैंने पानी नहीं डाला। तो 1 टेबल स्पून में और इसमें कोरमा मसाला डाल दूंगी, क्योंकि मैंने ये चेक किया है तो मुझे कम लग रहा है। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी दही। 1 कप दही लिया है मैंने, इसको फेंट लिया है। इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, ये जो दही का पानी होगा इसी में ये पकेगा।
तो नमक अभी मैंने इसमें नहीं डाला, वो आप चेक करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो कोरमा मसाला है इसमें पहले से ही इतना नमक होता है। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। तो आप मसाले अपने हिसाब से डालें जितने आपको पसंद है। इसको कर देते हैं ऊपर से कवर, तकरीबन इसको कर देते हैं कवर 7 से 8 मिनट के लिए। देख लेते हैं चिकन गला है कि नहीं। तो चिकन हमारा जो है वो गल चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी मैंने जो प्याज को फ्राई किया था, इसको मैंने ठंडा करके पीस लिया थोड़ा सा पानी डाल के, या आप इसमें दही डाल के भी पीस सकते हैं, आपकी मर्जी है। कर लेते हैं मिक्स। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबुएं आ रही हैं, बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। मैंने इसमें पानी नहीं था डाला, दही डाला था, उसका अपना ही पानी है। तो आपकी मर्जी है, आपने डालना हो तो डाल लीजिएगा पानी। तो मैं इसको कर देती हूँ कवर 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं। चलिए जी देख लेते हैं अब। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आया है और खुशबुएं तो इतनी ज़बरदस्त आ रही हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये गरम मसाला 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। एक टीस्पून जाएगा इसमें धनिया पिसा हुआ। मिक्स कर लेते हैं आप इसको पहले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ, 2 मिनट के बाद फिर देखते हैं। तो कोरमा हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इसकी शक्ल आई है, इसका कलर देखें कितना प्यारा है और बहुत ही मज़े का बना है। ये देखें इसकी ग्रेवी इतनी ही हमें चाहिए। ये अब मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो व्यूअर्स ये हमारा चिकन देगी कोरमा तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आप देख सकते हैं इसका कलर देखें बहुत ही प्यारा आया है और वैसे भी बहुत यम्मी है, ज़बरदस्त बना है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।